नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। फादर्स डे जून माह का तीसरा रविवार। हमारे सनातन धर्म में मातृ देवो भव पितृ देवो भव की अवधारणा है एवं माता पिता को प्रथम गुरु के रूप में स्थापित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज फादर्स डे यानी पितृ दिवस पर हम कुछ विचार रखते हैं। पिता, इस शब्द का उच्चारण होते ही हमारे सामने एक धीर गंभीर एवं कठोर व्यक्तित्व की छवि सी सामने आ जाती है। क्या ये वास्तविकता है? नहीं, वास्तविकता इसके विपरीत है। शायद ही ऐसा कोई अभागा पिता होगा जिसके अंदर प्रेम स्नेह और करुणा की धारा ना बहती हो, परंतु यह वास्तविकता उसके जीवन में तभी प्रकट हो पाती है जब वो अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित और प्रयासरत होता है। अपने बच्चों की अच्छी सी अच्छी शिक्षा के लिए एक साधारण से साधारण पिता अपना असाधारण प्रयत्न करता है। उसके लिए वो अपना सुख, अपनी इच्छाओं और अपने अनेकों सुखों का निरंतर त्याग करता रहता है ताकि संतान का भविष्य उज्जवल हो। पिता एक पर्वत, पिता एक सशक्त चट्टान की तरह होता है, पिता एक विशाल वटवृक्ष की तरह होता है जिसकी शीतल छाया में संपूर्ण परिवार पलता रहता है। पिता घर की उस छत की तरह होता है जिसके नीचे पूरा परिवार सर्दी गर्मी आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि से सुरक्षित रहता है। पिता ये जानता है कि उसकी बेटी और बेटा दोनों ही एक दिन अपना अपना घर बसाकर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, तब उसको उनकी संतानें स्नेह और प्रेम की उस निस्वार्थ भावना से संभवता ना देख पाएं। फिर भी वह उनके पालन पोषण शिक्षा दीक्षा आदि में अपना सर्वस्व लगा देता है। पिता का कर्म क्षेत्र घर के बाहर होता है। घर के बाहर नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों से उसका सामना होता है, परंतु वो घर के अंदर आने पर चेहरे पर किंचित मात्र भी उन कठिनाइयों एवं कष्ट के भाव नहीं लाता। कहते हैं कि बेटियां पिता की सबसे निकट होती हैं, ये सत्य भी है। एक पिता को पता ही नहीं चलता कि उसकी नन्ही परी कब बड़ी हो गई और कब उसके कन्यादान और विदाई का समय आ जाता है। अचानक उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बस कुछ आंसू छलकते हैं, बेटी उसके घर से विदा हो जाती है। वह अचानक अपने आप को एकदम खाली सा महसूस करने लगता है। पिता के इस अतुलनीय त्याग का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे न केवल परिवार के सभी सदस्यों की अपेक्षाएं अपना परम कर्तव्य समझ पूरी करनी ही होती है, क्योंकि वही तो पूरे परिवार की खुशियों और इच्छाओं की आधारशिला होता है। पिता अक्सर अपनी छूटी मुस्कुराहटों के पीछे चिंताओं और दर्द को दबाए हुए घर में खुशियों की रोशनी बिखेरता रहता है। कभी कभी पिता नामक व्यक्ति का मूल्य बहुत कम आंका जाता है। दोस्तों, आज फादर्स डे के दिन इस लोह पुरुष को कोटि कोटि प्रणाम।